हमारे दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, नोविंग आवर नंबर्स, और दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है आपका होल नंबर्स। तो दोनों ही चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, एक नंबर भैया और रह गए हमारे जो है प्लेइंग विद नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो तीनों ही चैप्टर हम बैक टू बैक नंबर्स के कंप्लीट कर देंगे, मतलब ये थर्ड आपका कंप्लीट होगा कुछ दिनों बाद। तो तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो ही आपके टर्म वन में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास सिक्स के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते, भारत माता की जय। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका प्लेइंग विद नंबर्स का इंट्रोडक्शन का पार्ट वन। तो ध्यान से देखना, एक चीज और ध्यान से सुनना मेरी, कि प्लेइंग विद नंबर्स का एक नाम और है, वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर्स के साथ में लूडो खेलो, मतलब नंबर्स के साथ खेलो। लेकिन अगर हम आरडी आरएस या कोई पियर्सन एस चांद या कोई आपकी लोकल बुक देखे तो उसमें आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि प्लेइंग विद नंबर्स का जो अंदर कॉन्सेप्ट मिलेंगे ना आपको, वो फैक्टर और मल्टीपल्स के मिलेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में फैक्टर और मल्टीपल्स ही है, क्लियर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लेइंग विद नंबर्स अलग है और फैक्टर और मल्टीपल्स अलग है, दोनों ही एक ही है। चलो स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर से। फैक्टर क्या होता है? देखो जैसे मैंने बात करा, कोई नंबर ले लो, फोर ले लो, फोर के फैक्टर क्या होंगे? वन टू और फोर। समझना ध्यान से, देखो वन टू और फोर, ये वन टू और फोर ही क्यों है? सबसे पहली रीजन ये आपका कि वन टू फोर ही क्यों है, इसमें थ्री फाइव क्यों नहीं इंक्लूड है? इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि ऐसे ही नंबर आपको लेने हैं जो फोर में से डिवाइड हो जाए। देखो जैसे फोर में आप वन से डिवाइड करो तो फोर आ रहा है, फोर में टू से डिवाइड करो तो भी डिवाइड होगा, और फोर में फोर से करो, मतलब जिस नंबर के आप फैक्टर निकाल रहे हो उससे वो डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे आपने 12 का फैक्टर निकाला, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो ये जो नंबर है ना इनके फैक्टर से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, फुल टाइम डिवाइड होगा। ऐसे ही नंबर आपको लेने। अब देखो वैसे तो ना 24 भी ले सकते थे, लेकिन 12 में 24 से डिवाइड नहीं जाएगा, 1/2 आएगा, है ना, इसलिए एग्जैक्ट डिवाइड। देखो डेफिनेशन भी ये लिख रहेगा, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। तो ये फैक्टर से हमेशा क्या होगा? एग्जैक्ट डिवाइड होगा, क्लियर है। दूसरी चीज है मल्टीपल, ये तो फैक्टर था, अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? आपको बचपन में टेबल पढ़ाई होगी, है ना, 3 की 4 की 5 की 6 की 2 की 10 11 20 तक कहते ना घर वाले, बेटा 20 तक अगर टेबल याद नहीं हुई तो तेरा जीवन कुछ ही नहीं है, ऐसे डराते थे ना बचपन में। तो आप फिर क्या करते थे, कौन कौन सी इजी होती है, 15 और 20, 19 की टाइम टाइफिस। तो मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई इज बाय ए नेचुरल नंबर। अब देखो ये तो लैंग्वेज में मत फंसो, सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे आपने 4 का टेबल निकाला, 4 का टेबल क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, है ना, ऐसे चलता जाएगा आगे आगे। तो देखो एवरी नंबर है ना इसका मल्टीपल है, एवरी नंबर 4 का मल्टीपल है, समझ में आ रहा है? इसमें भी ऐसे ही कह रहा है, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ये सारे किसके है? 3 के मल्टीपल है। अब 3 की टेबल देखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30, आगे भी लेते जा सकते हो आप, 33, 36, 39 और आगे भी, मतलब जब तक वो 3 से डिवाइड होगा तब तक वो मल्टीपल में आएगा। तो यही वो कह रहा है, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, ए नंबर ऑप्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इज ए नेचुरल नंबर। सारे नंबर कौन से होंगे आपके? नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो टोटल इसमें प्रॉपर्टीज है आपकी 10। पहली प्रॉपर्टी कहती है हमें, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन ऐसी चीज है जो जैसे ओ पॉजिटिव होता है ना आपका, मेरा भी ओ पॉजिटिव है, तो सबको खून दे सकता हूं मैं, सबको ब्लड डोनेट कर सकता हूं, वैसे ही वन है। वन एवरी नंबर के चिपक जाता है, उसको हर एक लड़की पसंद आ जाती है, ठीक है ना। तो देखो वन वन के साथ भी है, टू टू के साथ भी है, थ्री थ्री के साथ, एडजस्टेबल नंबर है ये, क्या है, सबके साथ सहयोग करके चलता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ।
जो भी नंबर है वो खुद का फैक्टर तो होगा ही, जैसे 12 है 12 का 12 तो फैक्टर होगा, 14 है 14 का फैक्टर होगा, 15 15 का होगा, तो जैसे 1 का तो ही 6 6 का भी फैक्टर होगा और 10 10 का भी फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो जो नंबर दे रखा है उसका एक खुद भी अलग से फैक्टर होगा। दोनों में क्या समझ में आया, 1 सबका फैक्टर होता है और जो नंबर के फैक्टर निकालना है वो नंबर भी फैक्टर में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड और प्रॉपर्टी नंबर फोर। देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड कह रही है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इन एग्जैक्ट डिवीजन, मतलब जो भी आपके फैक्टर आए है ना, जो भी आपके फैक्टर आए इस नंबर में इनसे डिवाइड करो, एग्जैक्ट डिवाइड होगा। देखो 12 में 1 से करो हो जाएगा, 12 में 2 से करो, 12 में 3 से करो, 12 में 4 से करो, 12 में 6 से करो, 12 में 12 से करो। कहने का मतलब है जो उसके फैक्टर निकलेंगे ना उस फैक्टर से आप इनमें डिवाइड करना, एग्जैक्ट डिवाइड होगा, वही फैक्टर होगा, वरना फैक्टर ही नहीं होगा वो उसका। प्रॉपर्टी नंबर फोर कह रहा है कि एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन, या तो लेस देन होगा, जो किसी नंबर के अगर आप फैक्टर निकालते हो उस जिस नंबर के आपने फैक्टर निकाले या तो उससे लेस देन नंबर आएंगे या फिर इक्वल आएंगे। कैसे, देखो 34 का आपने निकाला तो 1 लेस देन है, 2 भी लेस देन है, इससे 17 लेस देन है और 34 इक्वल है, क्योंकि आप जिस नंबर का निकाल रहे हो वो भी उसका फैक्टर बनेगा ना, तो इक्वल आएगा एक बार, बाकी सारे नंबर क्या होंगे, लेस देन होंगे। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट हो जाएगा। देखो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रहा है फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर आप है ना 6 के फैक्टर निकालते हो तो 1, 2, 3 और 6 मतलब जितने फैक्टर निकाल रहे हो फाइनाइट नंबर तो होंगे, इनफाइनाइट तो होंगे नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसके फैक्टर चलते हुए जाएंगे आगे ट्रेन के डब्बों की तरह, नहीं फिक्स रहेंगे कि हाँ इसके बाद इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6 कह रहा है आपकी कि एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, अगर किसी नंबर का आप मल्टीपल निकालते हो या तो इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा, सही बात है। जैसे अगर आप 4 लो तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4, 8, 12 मतलब एक तो 4 आ रहा है तो उसका इक्वल भी हो रहा है और उसके बाद 8, 12, 16 ऐसे तो ग्रेटर देन भी हो रहा है। जैसे अगर आप एग्जांपल में 5 लेते हो तो इसके मल्टीपल क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन चलते जाएंगे। तो देखो एक तो इक्वल आ रहा है और बाकी सब क्या है, इसके ग्रेटर देन है, तो यही कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट लास्ट दो प्रॉपर्टी है आपकी, 10 थी लेकिन दो आपकी कोई काम की नहीं है, मेन आपकी आती है प्रॉपर्टी नंबर 7 है ना, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही बात है, 10 10 का मल्टीपल होगा, समझ में आ रहा। तो और 8 है और 8 8 का मल्टीपल होगा, 12 12 का मल्टीपल होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर, अगर हम किसी नंबर का मल्टीपल निकाले तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही आएंगे, मल्टीपल फैक्टर की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल की। जैसे आप 7 है तो 7 के आप फैक्टर निकालते चलो, मल्टीपल निकालते चलो 7, 14, 21 उसके बाद आपके फिर 7 एड करो 28 फिर 35 फिर चलता जाएगा 42 मतलब आप 70 तक तो निकालते ही हो, टेबल पर 10 तक तो निकालते हो ना, 10 टर्म्स तक, उसके बाद में फिर 77 उसके बाद में फिर 784 तो ऐसे आप जितने निकालने चाहो उसके मल्टीपल निकाल सकते हो इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो आज अपने फैक्टर्स मल्टीपल्स और प्रॉपर्टी पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में और हम आगे इसके अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे। पीवीएस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, लव यू ऑल बेटा।